हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब क्या हो रहा है, एक तो सचिन पायलट के खेमे में और दूसरा अब कांग्रेस की तरफ से कौन सा और नया स्टेप लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक याद रखिए पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया सचिन पायलट को। मेरे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ बने हुए और मनीष भी। अंकित, वो तमाम बागी विधायक जो इस वक्त उस होटल में मौजूद हैं, अब आगे का उनके लिए रास्ता क्या है, क्योंकि वो तो क्लियर कर दिया गया है, तीन बड़े नाम तो ले लिए हैं। जी बिल्कुल, और जिन आपने तीन बड़े नामों का जिक्र किया, उन्हीं तीन बड़े नामों में एक नाम है विश्वेंद्र सिंह भरतपुर का। और अभी हमने आपने भी जिक्र किया था कि सचिन पायलट ने अपना प्रोफाइल बदला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन पायलट ने बल्कि विश्वेंद्र सिंह भरतपुर ने भी। कुछ देर पहले तक मैं उनका प्रोफाइल देख रहा था ट्विटर का, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो जो है मंत्री है, लेकिन अब उन्होंने हटा दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, इनके प्रोफाइल में एक चीज और इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, और वो ये है कि बीजेपी के कई नेताओं ने उनके बयान को जो है कोट करके जो है ट्वीट किया है, तो उसको उन्होंने रीट्वीट किया है। और इस वजह से लगातार अब जो कांग्रेस के नेता है, फिर चाहे वो खुद मुख्यमंत्री, मतलब अंकित, कुल मिलाकर माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी है, कुल मिलाकर अभी भी सचिन कांग्रेस वर्सेस गहलोत कांग्रेस यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सचिन ने ये नहीं कहा है कि उनका आगे का स्टेप क्या हो सकता है।